समाज में जन्मे हुए तमाम महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर आसीन तमाम हमारे वरिष्ठ एवं सम्मानित नेतागण, हमारी बहन गीता जी और इस ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी बुजुर्गों, बहनों, माताओं, बच्चों और हम उम्र साथियों, समय कम है, मेरे से पहले बहुत वक्ता बोल करके गए हैं, मैं समझ रहा था कि दो मिनट का ही टाइम मिलेगा। दोस्तों, आज इस देश की इस परिस्थिति में खड़ा हुआ है, आज बड़ा नाजुक दौर है और नाजुक दौर के अंदर भाई कमल किशोर कटेरिया जी ने जो ये नया संगठन बनाया है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2019 की चुनौती का सामना करने के लिए ये संगठन कारगर साबित होगा। लेकिन इसकी कारगरता जब हम बचा पाएंगे, जब देश के सभी संगठन आज एक मंच पर इकट्ठा होने का प्रयास करें। इस प्रयास में अनवर साहब, सर यादव साहब काफी दिन से प्रयासरत हैं और ऐसे पुराने नेताओं को जो जीवन भर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, उनके साथ आज आवाज बुलंद करने का समय आ गया है। आपको याद होगा, एक साल पहले रात को एक गाड़ी वाले भाई साहब टीवी पर आए और उन्होंने टीवी पर आकर के ये घोषणा की कि आज रात के 12 बजे के बाद इस देश के अंदर पुराने जितने भी 1,500 के नोट हैं ये सब बंद हो जाएंगे। हुआ था ना? और ऐसा ही हुआ। रात को ही उनका तंत्र पहले से इतना मजबूत था कि रात के 12 बजे नोटबंदी शुरू हो गई, बहुत सारे लोगों की जाने गई, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने हल्ला उठाया, मगर हुआ कुछ नहीं, वही हुआ जो उन्होंने निकले दिया। आज सोचने का विषय यह है कि वही गाड़ी वाले भाई साहब 2019 के बाद दोबारा अगर सरकार बनाने में कामयाब हो गए और किसी दिन रात को उन्होंने टीवी पर आकर के कहा कि आज से बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खत्म, कल से 24 प्रति का संविधान लागू हो जाएगा, ये देश आज रात के 12 बजे के बाद हिंदू रात घोषित किया जाता है और देश के अंदर आज के बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो सोचने वाला विषय यह है इस 30 करोड़ की दलित आबादी के लिए कि आप और हम उस दिन उस रात के बाद क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ये आज सोचने का विषय है जिस पर हमें एक साल तक चिंतन करना चाहिए। ये हो सकता है क्योंकि उनके एमपी, उनके एमएलए जो जगह जगह सभाओं में ये भाषण दे रहे हैं कि हम तो संविधान को बदलने के लिए आए हैं, ये बिना सोची समझी रणनीति के नहीं दे रहे, इनकी रणनीति नागपुर के अंदर बैठकर के बनती है। और जो देश का संविधान भी बना था तो देश के संविधान बनने के समय में भी इन लोगों ने ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाला संविधान हमारा संविधान नहीं है, ये हमारा संविधान नहीं है, हमारा संविधान तो जब हमारा शासन आएगा तब बनेगा और वो जो संविधान होगा वो पूर्ण रूप से भूमि स्मृति पर आधारित होगा। बाबा साहब ने जब संविधान की कॉपी सौंप करके बाहर निकले तो कल्पना भी नहीं है कहा था कि डॉक्टर साहब आज बड़े खुश लग रहे हो, तो बाबा साहब ने कहा था कि मैंने आज ऐसा हथियार किया है देश की गरीब जनता को, विशेष रूप से अपने लोगों को, कि आज के बाद किसी राज्य के अंदर किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, बल्कि आज इस संविधान के लागू होने के बाद वायलेंट बॉक्स राजा का काम करेगा, मैं इसलिए पूछ। लेकिन सरकारी ने उसको जवाब दिया कि बाबा साहब जो आप सोच रहे हो ये कभी नहीं होगा, हम आपके लोगों को खरीद लेंगे, हम आपके लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे, रात और रात आपके लोगों को हम अपने घरों
भी पूरा नहीं होगा, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि कभी तो ये समय आएगा जब मेरे देश के नागरिक, मेरे समाज के लोग अपने वोट के अधिकारों को समझेंगे और जिसके भी उन्होंने इस देश के अंदर अपने वोट के अधिकार को समझ लिया, तत्कालीन उस दिन याद रखना कि तुम्हारा उसी दिन सत्ता नाश हो जाएगा, तुम उस दिन इस देश में बच नहीं पाओगे। बाबा साहब ने उसे कहा था। आज वो समय दोस्तों धीरे धीरे आ रहा है। 2 अप्रैल को बिना किसी राजनीतिक दल की अगुवाई किए हुए, बिना किसी राजनेता के 2 अप्रैल को देश के दलितों ने ये साबित कर दिया है कि बाबा साहब जो सपना आपने देखा था उसके लिए हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और जो भी आगे आएगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। और इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि जो दलितों के अंदर गद्दार नेता पैदा हो गए थे उनकी नेतागिरी उस दिन अपने आप खत्म हो गई पूरे देश के अंदर और वो कुछ कर नहीं पाए। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, लेकिन हमें बहुत सचेत रहने की जरूरत है दोस्तों। सचेत इसलिए रहने की जरूरत है कि हमारा जो दुश्मन है वो बहुत ताकतवर है, बहुत सजग है, बहुत होशियार है। आज उनके 15 मुख्यमंत्री हैं, 20 राज्यों में सरकारें हैं, प्रधानमंत्री भी वो, राष्ट्रपति भी वो, उपराष्ट्रपति भी वे, कोर्ट भी उनके, कचहरी भी उनके, पुलिस भी उनकी, तमाम मशीन भी उनके आगे पीछे काम कर रही है, मीडिया उनका। इसलिए हमें सचेत होकर के 2019 की चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे एक बार फिर कटेरे साहब को मुबारकबाद देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस मकसद के लिए आपने इस संगठन को बनाया है, मैं चाहूंगा कि ये संगठन 2019 की चुनौती के लिए एक कड़ी बन कर आए। अदरवाइज तो देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ गली मोहल्लों के अंदर इतने संगठन बने हैं कि कोई भी आदमी अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम नहीं समझता। बेशक उसके संगठन में 40 लोग हों, लेकिन सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि लोग भूल जाए कि कौन क्या है। आज आवश्यकता है कि 2019 में लोकतंत्र और भारतीय संविधान को बचाना अगर हम चाहते हैं तो मिल करके भारतीय जनता पार्टी के तंबू को उखाड़ना होगा और आरएसएस के तंबू को उखाड़ करके इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था लानी होगी ताकि ये लोग आने वाले समय में भारतीय संविधान को बदलने की बात ना कर सके। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि बातें तो आगे प्रीफेस में बहुत है लेकिन समय का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। भाई जयेंद्र भाटी जी ने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं साधुवाद देते हुए एक बार पुनः आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए और संयोजकों और आयोजकों का को अपनी तरफ से मुबारकबाद देते हुए आज के प्रोग्राम की सफलता के लिए जय भीम जय भारत नमः होता है।